प्रयागराज की 10 फेमस प्लेसेस जो आपको जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस सफर में, जहां हम तलाशेंगे प्रयागराज के उन 10 अनमोल रत्नों को जो इस शहर को स्पिरिचुअलिटी, इतिहास और कल्चर का अद्भुत संगम बनाते हैं। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से हम खो जाते हैं प्रयागराज की गलियों में, जहां हर गली, हर घाट, हर इमारत अपने अंदर समेटे हुए है अनगिनत कहानियां, अनगिनत रहस्य। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है त्रिवेणी संगम से, वह पवित्र जगह जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। यह संगम सदियों से आस्था और श्रद्धा का केंद्र रहा है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें जिंदगी जीने का तरीका बता रही है, मिलकर रहने का, एक होने का और प्यार और शांति का। यहां की हवा में एक अद्भुत शांति और सुकून है। मान्यता है कि संगम में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करता है। यहां हर साल लगने वाला कुंभ मेला आस्था और मानवता के मिलन का अद्भुत उत्सव होता है। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं इस पावन संगम में नहाने। वे यहां आकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी डुबकी लगाएं त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में, इस अनुभव को महसूस करें और इस पवित्र स्थल की महिमा को समझें। अनुभव। त्रिवेणी संगम के किनारे पर बना हुआ है इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इलाहाबाद किला। मुगल बादशाह अकबर ने जब 1583 चल रहा था, तब इस किले को बनवाया था। यह किला अपनी ग्रैंडियर और मजबूती के लिए मशहूर था। किले के अंदर बहुत सी देखने लायक जगहें हैं, जैसे अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर और अशोक स्तंभ। हर एक जगह अपने आप में एक कहानी छुपाए हुए है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी कदम रखें इलाहाबाद किले के अंदर। हमारी अगली मंजिल है आनंद भवन, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहां पर हमारे देश को आजादी मिलने की बहुत सारी यादें आज भी जिंदा हैं। यहां की हर दीवार, हर कोना इतिहास की गवाही देता है। यह बिल्डिंग नेहरू परिवार का घर था, जो भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख स्थल रहा है, और यहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नए भारत की नींव रखी थी। उनके नेतृत्व में यहां कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। आज आनंद भवन एक म्यूजियम बन गया है, जहां आप इतिहास के पन्नों को जीवंत होते देख सकते हैं। यहां आप नेहरू परिवार की चीजें, पिक्चर्स और उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं जो उस समय की घटनाओं को बयां करते हैं। आनंद भवन के हरे भरे बगीचे में घूमते हुए आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं, जब यहां से देश को आजाद कराने के प्लान बनाए जाते थे। यहां की हर घास की पत्ती, हर फूल उस समय की गवाही देता है, जब यहां से देश को आजाद कराने के प्लान बनाए जाते थे। यहां की हर घास की पत्ती, हर फूल उस समय की गवाही देता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी प्रवेश करें आनंद भवन में और उस समय की यादों को ताजा करें। हम भी प्रवेश करें आनंद भवन में और उस समय की यादों को ताजा करें। आलमगिरी मस्जिद मुगल कला का सबसे अच्छा नमूना इलाहाबाद किले के पास ही है। मुगल कला का एक और शानदार नमूना आलमगिरी मस्जिद। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनवाया था। यह मस्जिद अपनी ग्रैंडियर और खूबसूरती से आज भी लोगों को हैरान कर देती है। मस्जिद की बड़ी बड़ी गुंबदें, ऊंची मीनारें
और सुंदर नक्काशी मुगल कलाकारी का सबसे अच्छा नमूना है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी प्रवेश करें आलमगिरी मस्जिद में। हम भी सरस्वती कूप, जहां से ज्ञान की नदी बहती है। हमारी अगली मंजिल है सरस्वती कूप, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती को समर्पित है। मान्यता है कि यह कूप सरस्वती नदी का रूप है। कहते हैं कि इस कूप के पानी में नहाने से बुद्धि और ज्ञान मिलता है। यहां हर साल बसंत पंचमी के दिन खास पूजा अर्चना होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी डुबकी लगाएं सरस्वती कूप के पवित्र जल में। नैनी ब्रिज, दो किनारों को जोड़ने वाला पुल, प्रयागराज की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। गंगा और यमुना नदी पर बना नैनी ब्रिज, यह पुल सिर्फ दो किनारों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि दो संस्कृतियों, दो सभ्यताओं को भी जोड़ता है। नैनी ब्रिज से आप गंगा और यमुना नदी का बहुत ही सुंदर नजारा देख सकते हैं। शाम के समय जब सूरज डूबता है और नदी का पानी सुनहरे रंग का हो जाता है, तो नजारा देखते ही बनता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी सैर करें नैनी ब्रिज पर। ब्रिज संगम तट, आस्था और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का संगम। यह वह स्थान है जहां तीन पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। त्रिवेणी संगम के किनारे पर फैला हुआ है संगम तट, जो आस्था, भक्ति और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जगह है। यहां पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित करने और आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र स्नान करते हैं। यहां हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लोग यहां पर पूजा पाठ, ध्यान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। संगम तट पर आप बहुत से साधु संतों को ध्यान करते, पूजा पाठ करते और धार्मिक काम करते हुए देख सकते हैं। यह स्थान साधु संतों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिस समाज से सतत जहां वे अपनी साधना और तपस्या करते हैं। यहां का वातावरण बहुत ही शांत और रूहानी होता है। संगम तट पर बिताए गए पल आपको एक अद्वितीय शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। संगम तट पर ही होता है हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मेला है। इस मेले में करोड़ों लोग शामिल होते हैं, जो यहां आकर पवित्र स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं इस मेले में शामिल होने। यह मेला आस्था और भक्ति का एक अद्वितीय संगम है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी संगम तट पर कुछ पल बिताएं और इस पवित्र स्थल की अद्वितीयता का अनुभव करें। बटेश्वर काली मंदिर शक्ति और भक्ति की देवी। प्रयागराज में स्थित है देवी शक्ति का एक बहुत बड़ा मंदिर, बटेश्वर काली मंदिर। यह मंदिर मां काली को समर्पित है, जो शक्ति, साहस और जीत की देवी है। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और मंदिर के अंदर का वातावरण भक्ति और शक्ति से भरा हुआ है। नवरात्र के दिनों में यहां खास पूजा अर्चना होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी बटेश्वर काली मंदिर में माथा टेकें। कालिदास अकादमी साहित्य और कला का अड्डा। प्रयागराज सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह शहर साहित्य और कला का भी केंद्र रहा है। यहां है कालिदास अकादमी, जो महान संस्कृत कवि कालिदास को समर्पित है। यह अकादमी साहित्य, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती है। यहां समय समय पर नाटक, संगीत, नृत्य और साहित्यिक कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी कालिदास अकादमी की सैर करें। प्रयागराज संग्रहालय, इतिहास से भरा खजाना। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है प्रयागराज संग्रहालय,
जो इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ आपको अलग अलग समय की मूर्तियाँ, सिक्के, हथियार और दूसरी रेयर चीजें देखने को मिलेंगी। ये म्यूजियम हमें प्रयागराज के गौरवशाली अतीत की झलक दिखाता है। यहाँ आप मौर्य, गुप्त, कुषाण और मुगल काल की कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भी प्रयागराज संग्रहालय की सैर करें। ये अमो कर आरती है। प्रयागराज एक यात्रा, अनेक अनुभव। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज की कुछ खास जगहों की एक झलक। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जल्द ही इस पावन नगरी की यात्रा पर निकलेंगे। यहां आकर आप न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से भी रूबरू होंगे। तो देर किस बात की, अपनी यात्रा का प्लान बनाइए और निकल पड़िए प्रयागराज के सफर पर।